subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने channel Hungry Spirits में. तो दोस्तों बात करते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स की, कि वोटिंग ट्रेंड्स कहाँ पे जाके क्लोज हो रहे हैं, किन किन को कितनी वोट पड़ रही हैं और कौन सदस्य सेफ है और कौन सदस्य बिग बॉस के घर से बाहर हो सकते हैं. तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो सब लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से दो लोग, पहले दो लोग तो सेफ ही है और वो आगे पीछे चल रहे हैं, जैस्मिन बजीन और रुबीना दिलायक. तो रुबीना दिलायक को अभी भी सबसे ज्यादा वोटें पड़ रही हैं. रुबीना दिलायक अभी भी है नंबर वन पे, लगभग 32% वोट रुबीना दिलायक को पड़ रहे हैं. तो रुबीना दिलायक के बाद जैस्मिन भसीन का थोड़ा सा पहले से ज्यादा डिफरेंस है. अभी तो अभी जैस्मिन भसीन है नंबर दो पे, तो लेकिन रुबीना दिलायक के निस्बत जैस्मिन भसीन को लगभग 6-7% कम वोट पड़ रहे हैं. तो तीसरे नंबर पे कौन है? अब तीसरे नंबर पे, क्योंकि एजाज खान की गेम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है, बहुत ज्यादा मतलब एक एक लेवल पे ही गेम चल रही है. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज लगती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बनावटी गेम खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहे हैं. तो एजाज खान नंबर तीन पे है लेकिन चौथे से बहुत ज्यादा उनका डिफरेंस नहीं है दोस्तों. तो नंबर तीन पे है एजाज खान जिनको वोट पड़ रही है, यानी कि ये तीनों तो लगभग सुरक्षित है, इन तीनों का निकलने का कोई चांस नहीं है अनलेस बिग बॉस कोई ऐसा ट्विस्ट ना करे. तो उसके बाद है कविता कौशिक. तो कविता कौशिक आती है नंबर चार पे और बॉटम टू है निक्की तंबोली और जान कुमार शानू. तो निक्की तंबोली के बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था निक्की तंबोली बॉटम टू में, क्योंकि ये दिग्गज हो गए हैं. यहाँ पे कविता कौशिक जो है निक्की तंबोली से भी नीचे आती, लेकिन निक्की तंबोली कविता कौशिक की शरण में चलेगी, जो वो उसने गलती की. तो निक्की तंबोली है नंबर पांच पे और जान कुमार शानू को अभी भी सबसे कम वोट पड़ रहे हैं. हालांकि जान कुमार शानू ने अब गेम खेलना शुरू किया है तो अब लोगों को वो पसंद भी आने लगा है, लेकिन बिग बॉस इतना ज्यादा किसी को भी मौका नहीं देते हैं. अब देखना ये होगा कि दिवाली निकल के गई है तो क्या दिवाली वीक कह के तो इस हफ्ते नॉमिनेशन कैंसिल होगी, ये एविक्शन कैंसिल होगी, कोई भी एविक्ट नहीं होगा, या फिर जान कुमार शानू को निकाल दिया जाएगा, या फिर कोई होगा बड़ा ट्विस्ट, ये देखना होगा. तो आपके अनुसार आप किसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स. धन्यवाद.